फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिंकी और आज मैं आपको खुरमी बनाना बताऊंगी, मीठी खुरमी किस तरीके से बनाई जाती है। तो रक्षाबंधन पे आप बनाइएगा और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो से ज़्यादा मैदा लिया है, इसको छान लिया है अच्छे से। और ये मैंने चीनी ली है, चीनी का पानी, इसमें चीनी मैंने पहले से गला दी थी तो पूरी मेल्ट हो गई है। इसके बाद ये देखिए, मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, इसको ऐसे करके डालिएगा, थोड़ी सी और डाल देते हैं। और 3-4 चम्मच घी डालूंगी इसमें, इसको मौन भी कहते हैं, 4-5 चम्मच के करीब डालूंगी। मैंने 4-5 चम्मच घी डाल दिया है इसमें। आप इसके वनस्पति घी या फिर रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि देसी घी हो। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, अच्छे तरीके से मिलाना है तरीके से, ताकि घी हमारा तो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, घी मेरा पूरी तरीके से मिक्स हो गया है अच्छे से। अब इसको चीनी के पानी की हेल्प से हम आटा बना लेंगे। तो देखिए, इसको उंगलियों से इस तरीके से दबा के नहीं बनाना है, जो भी आटा गूंथें उनको ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके उंगलियों की हेल्प से ऐसे ऐसे करके गूंथना है, तो आपकी खुरमी बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनेंगी। सारे आटे को ऐसे ऐसे करके हमको मिक्स करना है, रोटी की आटे की तरह नहीं लगाना है। देखिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ, आप भी इस तरीके से अपनी खुरमी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। रक्षाबंधन पर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग किधर बनाई जाती है और आप लोग कैसे बनाते हैं। हमारे इधर इसको खुरमी बोलते हैं हम लोग, खुरमा या खुरमी, कई जगह इसको मठरी भी बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं बताइएगा आप। इस तरीके से हम लोग आटा गूंद लेते हैं। खुरमी के आटे को ज़्यादा गीला नहीं करना है, ज़्यादा कड़क ना ज़्यादा गीला, इस तरीके से आप लगाइएगा ऐसे मेल्ट कर करके। इस तरीके से आप खुरमी का आटा लगाएंगे तो आपकी खुरमी बहुत खस्ता बनेगी। ये देखिए, मेरा आटा इकट्ठा होने लगा है, बस आपको ज़्यादा दबाना नहीं है, तो इकट्ठा कर देना है ऐसे। देखिए कितने आराम से पूरा डो तैयार हो गया है। देखिए इसको अच्छे से आराम से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा दबाना नहीं है ताकि आराम से मिक्स हो जाए। देखिए मेरा डो बनकर रेडी हो गया है, अच्छे साफ कर देते हैं। अब इसको हमको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। मैं इसको कटोरी की हेल्प से ढक रही हूँ, आपके पास जो बर्तन अवेलेबल हो इसको ढक दें। अब हम 15 मिनट के बाद मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने खुरमी का आटा बना के रख दिया था, अब इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको निकालता हूँ, देखिए ये कितने अच्छे से ऐसे हो गया है, अच्छे से मिल गया है। अब हम इसको ज़्यादा ना दबाते हुए बड़ी बड़ी ले ऐसे तोड़ लेंगे। देखिए ऐसे, और इनको ऐसे बना लेते हैं जैसे रोटी बनाते हैं वैसे। इनको ज़्यादा दबाना नहीं है और ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए मैंने सारी ऐसे बना ली हैं, ये देखिए इसको भी अच्छे से कर लेते हैं। ये देखिए सारी बन गई हैं, अब हम इसको एक साइड रख देते हैं। इसको मैंने साफ कर लिया है पहले ही स्टैंड को मेरे को, अब हम इनको बेलना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ना रिफाइंड की ज़रूरत है और ना ही आटा लगाने की, आप अगर अच्छे से आटा गूंदेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, बस
बेलना है रोटी को। मैं चकोटी पे इसलिए नहीं बेला कि उस पर छोटी छोटी बनती हैं, फिर बहुत बहुत सारी रोटियां हम लोगों को बनानी पड़ती हैं। और परिवार अगर बड़ा हो तो फिर और ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि थोड़ी बहुत तो बनती नहीं है। बच्चे बड़े सभी लोग इनको खूब पसंद करते हैं, इसलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, अच्छी लगे अच्छी बने तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। देखिए इस तरीके से हम लोगों को बड़ी सी रोटी, थोड़ी सी रोटी को मोटी बेलना है हम लोगों को, ज़्यादा पतली नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा पतले अच्छे नहीं लगते। वो पतले वाले जो सादा वाले बनते हैं नमक वाले वो अच्छे लगते हैं, ये वाले पतले ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ये देखिए मेरी रोटी बेल गई है। थोड़ा टाइट से बेलना पड़ता है क्योंकि कड़ा होता है ना आटा, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप गोली बेल। मैंने ये थोड़ा सा मैदा बचा के रखा हुआ था, रोटी को उठाएंगे और हल्का सा मैदा इसके नीचे डाल देंगे ताकि हमको उठाने में आसानी रहे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास ये चार तरीके के शेप हैं, आप देखिएगा, ये टेडी बियर वाला, और ये एक केट वाला है, और ये एक डक वाला है। इस तरीके से बनाने से बच्चे अच्छे से खाते हैं, टेस्ट लेके उनको शेप एंड साइज से मतलब। और ये किए हैं, मैं चारों तरीकों की आपकी बना के बताऊंगी। और आपके पास में अगर ये शेप नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप चौकोर वाली भी बना सकते हैं। देखिए मैं ऐसे काट लूँगी अच्छे से दबा के। ऐसे रखना है और दबाना है, अच्छे से दबाना है, वरना उठाते टाइम वो चिपक जाती हैं फिर। ये देखिए कुछ तो निकलने भी लगी है रात में। ये देखिए कितना अच्छा शेप आता है, बच्चे इसको बहुत अच्छे से खुशी खुशी खाते हैं। ये देखिए ये सारी मैं एक ही डिज़ाइन की काट लेती हूँ। अभी मैंने रिफाइंड को नहीं रखा है क्योंकि पहले मैं बना लेती हूँ, इसके बाद रिफाइंड को गर्म करने के लिए रखूँगी क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत टाइम लगता है और रिफाइंड हमारा तब तक गर्म हो जाता है और ये बननी बाकी है, इसलिए मैं इनको पहले बना लूँगी, इसके बाद मैं रिफाइंड ऑयल गर्म करने के लिए रखूँगी। जो अच्छे से नहीं दबेगी जब हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट उठाएंगे ना आटे का, तो वो उसके साथ ही उठने लगेगी, इसलिए थोड़ी सी ताकत के साथ में इसको अलग करें ताकि कट हो जाए। ये देखिए मैंने एक डिज़ाइन की सारी कट कर ली हैं। हम इसको आराम से निकालते हैं। देखिए सारी मट्टी को आराम से निकालते हैं, कोई कोई सी अच्छे से कटी नहीं है।
ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। अब हम इनको एक एक को उठा के इसमें रख लेंगे। वो तो आराम से उठ जाती हैं, अगर आटा गीला नहीं होगा तो आराम से उठ जाएंगी। देखिए जब भी आपको रखना है तो जिस तरीके से आपने तरफ से आपने बेला उस तरीके से नहीं रखना है, दूसरे तरफ से रखना है। जैसे मैंने इसको ये उठाया और ऐसे रख दिया, सारी को हमको ऐसे ही रखना है। अब मैं इसी तरीके से बना लूँगी। अब हम इसी तरीके से इसके नीचे भी आटा डाल देंगे। ये मैंने सेकंड रोटी बनाई है अपनी, ये देखिए। अब इसको हम लोग दूसरे शेप में काटेंगे, इसको मैं टेडी बियर शेप में काट रही हूँ। देखिए निकलता भी जा रहा है ये तो साथ साथ में। ये देखिए इसका शेप भी कितना अच्छा दिखता है, ये देखिए ऐसे ही मैं सारे काट काट के रख लूँगी। देखिए ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसी तरीके से मैं इनको काट लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारी काट ली है, कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसको भी निकाल देंगे। देखिए ये देखिए मैंने इसी तरीके से ये कैट वाले भी सारे कट कर लिए हैं। ये देखिए ये भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए इनका शेप भी कितना अच्छा है। देखिए अब मैं आपको इससे काटना बताती हूँ। तो आप इससे तो आसानी से चाकू के जैसे किसी भी शेप में काट लीजिएगा। इसको इस तरीके से काट लेती हूँ। ये भी खाने में अच्छी लगती है, टेस्ट तो सभी का एक जैसा होगा, शेप चाहे कैसा भी हो। ये देखिए चुको चुको। अब देखिएगा अब मैं एक शेप ये वाला काटती हूँ, पतली पतली सी ऐसे। ये वाली भी बहुत अच्छी लगती हैं देखने में भी, ऐसे ऐसे पतली पतली से काट लीजिएगा। और अब इनको बीच में से एक बार ऐसे कट कर दीजिएगा बस। ये वाले देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। एक आप इस तरीके से काट लीजिएगा बिस्किट के जैसे। चुकोर चुकोर खाने, बस हमारी मट्ठी बनके तैयार है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखिएगा मैंने सारी बना ली हैं, अब इनको फ्राई करना है। मैंने रिफाइंड ऑयल रख दिया है, गर्म हो गया है, फ्राई करते हैं। ये देखिए रिफाइंड ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब हम इसमें मठरी डालते हैं, कोई भी शेप की आप पहले डाल दीजिएगा।
इसको तो एक एक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मंदी आँच में ही आप इनको फ्राई कीजिएगा। मैंने तेल गरम कर लिया है, देखिए इनको आराम से हल्की आँच में ही फ्राई करूँगी। ये देखिए मेरी मट्टी गोल्डन ब्राउन हो गई है। जो जो गोल्डन हो गई हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए मेरी डक वाली फ्राई हो गई हैं। इनमें ऑयल भी नहीं आता है ज़्यादा, तो टिश्यू पेपर न्यूज़पेपर कुछ रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेंगी। देखिए मैं इस तरीके से इनको निकाल लेती हूँ। आराम से फ्राई होने दीजिएगा, क्योंकि इनको डीप फ्राई करना ज़रूरी है। हमने थोड़ा इनका शेप जो है मोटा लिया है, इसलिए मोटाई ज़्यादा ले ली है हमने इसलिए। देखिएगा ये सारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इन सबको हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं। अपना दूसरा घंट डालती हूँ। देखिए इनको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, कढ़ाई में डालने से अपने आप अलग अलग हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इनको अलग अलग बेलना है, अलग अलग रखना है, नहीं। मैं सारी डिज़ाइन मिक्स कर रही हूँ, कब तक अलग अलग करूँगी उनको। चकोर गली भी डाल रही हूँ। ये देखिए ये वाला घन भी हमारा डीप फ्राई हो गया है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी को फ्राई कर लिया है। सभी मठरियाँ मेरी बन गई हैं, गरम है अभी। ये देखिए सब तला गई हैं, फ्राई हो गई हैं। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए डक वाली, ये देखिए कितनी खस्ता है। ठंडी होने के बाद और खस्ता हो जाएंगी। ये देखिए देखिए आप भी इस तरीके से बनाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। ये देखिए मेरी मठरी बनकर तैयार है। और ये देखिए अलग अलग शेप की कितनी अच्छी लग रही हैं। देखिए टेडी बियर वाली, देखिए डक वाली, और ये चकोर वाले। और देखिए कितनी खस्ता बनी है। आप इस तरीके से बनाएंगे अपनी मठरी रक्षाबंधन पे तो बहुत अच्छी लगेगी खाने में भी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। देखिए थैंक यू।